स्टार्टेड बोल गए फेसबुक लाइव स्टार्टेड जी धन्वंतरी समारंभाम जीवकाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अभी आयुर्वेद में जो ज्वर के बारे में बुखार के बारे में कुछ विशेष बताया है उसको ही हम देख रहे थे। तो वातश्लेष्मिक और श्लेष्मिक ज्वर जो इस ऋतु में उद्भव होते हैं उसका निराकरण कैसे करना है, उससे बचना कैसे है, उसके ऊपर हमने कल कुछ विचार किया था, जिसको जनपदो ध्वंस कहते हैं। द्रव्य उसमें देश काल जल और वायु ये चारों तत्व दूषित हो जाते हैं और इसके लिए उसकी शुद्धता के लिए उस समय क्या करना है वो हमने देखा था। दूसरी महत्व की बात ये कि क्या क्या सावधानी रखनी है, आहार विहार और पथ्यापथ्य का कैसे पालन करना है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे वाले सेशनों में कि अभी आपको ऋतु वाइज परिवर्तन कैसे करना है, अपने दोषों को कैसे समझना है, कफ पित्त वात को। तो ये हम जितना हमको समझ पाएंगे अपनी रीत से उतना ही हम अपनी ही खुद की चिकित्सा कर सकेंगे, अपने नियम के अनुसार हम पथ्यापथ्य का पालन कर पाएंगे, क्या हमारे लिए उचित है क्या नहीं है इसका भी हम निर्णय कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम पथ्यापथ्य के द्वारा अपना शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य अच्छा रख पाए। तो अभी हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात हमने कल बताई थी, खास करके बहुत सारे रोगों के विषय पर हमने अलग 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 उत्पाद और अलग मेडिसिन्स जो दी जाती है उसका हमने बताया। जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं उसमें कैसे फायदा करता है उसकी एक बात रह गई थी और वो थी कैल्शियम डेफिशिएंसी की। खास करके अभी जितने भी रोग होते हैं हड्डियों के संबंधित, ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर कितने प्रकार के दर्द है, हड्डी का टूटना है, हड्डी में आवाज आनी है, या हड्डी का मतलब कह सकते हैं कि नरम होना है, या बालों का झड़ना है, बालों का कम उगना है, बालों का ग्रोथ नहीं है, नाखून का ग्रोथ नहीं है, तो ये सभी आयुर्वेद में अस्थि पोषक तत्व जिसको खास करके चूने के जैसा बताया है, अभी जिसको हम कैल्शियम बताते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बताते हैं, दिखा कहते हैं, तो आयुर्वेद में वो तत्व को एक चूने जैसा माना है, अस्थि पोषक है वो। तो इसके लिए चूना का तो वर्णन है लेकिन साधारण जो चूना हम यूज करते हैं तंबाकू वगैरह में वो चूना थोड़ा उसकी साइड इफेक्ट है, वो स्टोन कर सकता है या फिर वो तेज बहुत होता है, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, ऐसी कोई भी मुंह में छाले है, तो ऐसे रोगी को वो नहीं लेना है ऐसा बताया है। और वो यदि ठीक से नहीं आया तो वो एक प्रकार का पत्थर बनता है और उसे स्टोन होने की संभावना होती है। लेकिन एक दूसरा प्रकार का आता है वो मोती का चूना कहा जाता है, मोती के ऊपर होता है, तो वो चूने के द्वारा साथ में बहुत सारे इंडियन जो उत्तम प्रकार की मोती की मतलब कपरदिका अर्थात मोती के जैसे कपरदिका आती है एक समुद्र में होती है उसके ऊपर का लेयर का चूर्ण भस्म आती है, तो ऐसी कपरदिका है, गोदंती है, एक प्रकार का उत्तम प्रकार का पत्थर आता है उसको जो है एलोवेरा के स्वरस से उसकी भावना दी जाती है और उसके बाद उसकी भस्म बनाई जाती है जिसको गोदंती भस्म कहते हैं। ऐसे सारी वस्तुएं डालकर कैल्शियम बूंद करके एक हमारा उत्पाद आता है जो सबसे हम मानते हैं कि पहले 10 में उसका नाम है।
तो उससे 15 दिन में ही बालों का ग्रोथ बढ़ जाता है, नाखून बढ़ने लगते हैं, और जो साधारण चूना जहाँ नहीं ले सकते हैं वहां पर ये निर्भयता से ले सकते हैं। तो इससे कोई स्टोन की समस्या नहीं होती है, स्टोन है तो भी ये ले सकते हैं, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होती है। अस्थि का पोषण होता है, थोड़े दिन में ही आप देखेंगे 15-20 दिन में कि आपका बालों का ग्रोथ बढ़ता है, नाखून का भी ग्रोथ बढ़ता है। और जिसको जिसको अवश्य ही कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसके लिए अमृत तुल्य दवा है। साथ साथ बालकों को जब दांत निकलते हैं तब उसको दो दो बूंद देने से आसानी से दांत निकलते हैं और अच्छे मजबूत दांत उसको आते हैं। तो बालकों से लेकर बड़ों तक की ये दवाई पानी में डालकर या छाछ में डालकर 2 से 3 बूंद उसको कैल्शियम बूंद की ली जाती है, वो बहुत ही लाभदायी होती है। तो ये बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में हमने ये किया है, तो उसका आप उपयोग अवश्य ही कर सकते हैं जी। तो ये एक कैल्शियम ड्रॉप। अच्छा, और किसी को ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो कैप्सूल के रूप में भी कैल्शियम कैप्सूल करके आती है, तो उसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उपयोग ये कैल्शियम बूंद का होता है, उसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जो जो लोगों ने अनुभव प्राप्त करके हमको बताए हैं, तो उसका हमने पूरा लिस्ट रखा है कि उससे क्या क्या लाभ है। खास करके जो मेरे पास अभी लिस्ट है उसमें गोधुली वाले संदीप सबरवाल जी है, जो गोधुली परिवार से है, उन्होंने इसका उपयोग किया है और उन्होंने बताया था हमको कि 15 दिन में ही बालों का उसका ग्रोथ बढ़ा। तो उन्होंने इसको अच्छी तरह से बाद में प्रमोट किया, बहुत जगह बताया, और अभी वो अच्छी तरह से उसका मतलब जो जो लोगों ने लिया उनके रिव्यू बहुत ही अच्छे आए हैं उनके पास भी। तो कैल्शियम बूंद का एक बार आप जो जितनी भी कदाचित कंपनियां बनाती होगी कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कैल्शियम के प्रोडक्ट्स, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की प्रोडक्ट, तो उसमें मैं मानता हूं कि गुरुजी का यह आविष्कार कहे या प्राचीन प्रतोसा संशोधन कहे कि मोती के चूने वाली एक भी प्रोडक्ट आज नहीं है। तो वो हम केवल कपरदिका से और मोती के जो चूना है, मोती का चूना है, उसको लेकर ये एक उत्पाद बनाने का प्रयत्न किया था गुरुजी ने, और बहुत ही अच्छा उसका परिणाम आज तक रहा है। तो ये कैल्शियम मून के नाम से संस्कृति गुरुकुलम पर ये होता है, और इसके परिणाम अनेक रोगों में भी है, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी से अस्थि की धातु की उस मतलब किसी की प्रकार का दौर्बल्य हो उसमें भी काम आता है, ऑस्टियोपोरोसिस में, हड्डियों की कोई भी प्रकार की बीमारी हो, हड्डी कमजोर हो, हड्डी टूटी हो, दांत का कोई ऐसा हो कि दांत कमजोर आए हो, बच्चों को दांत आते हो, तो ऐसे सभी अवस्थाओं में कैल्शियम बूंद 2 से 4-5 बूंद तक पानी के साथ या छाछ के साथ ले सकते हैं। ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उसको कैप्सूल का भी उपयोग सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम एक एक कैप्सूल के रूप में कर सकते हैं जी। तो ये दोनों हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए था, लेकिन ये बहुत ही उपयोग उसका कर सकते, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अभी बाली है प्रश्नोत्तरी की, और हम कुछ 2-3 वस्तुओं का फिर से हम बताएंगे अगली बार, अभी हम प्रश्नोत्तरी के लिए लेंगे। तो प्रश्न आप बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, तो आज हम ज्यादा देर प्रश्नोत्तरी को देंगे, तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं जी। प्रश्न के शुरुआत कर देंगे हम, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रश्न और जवाब दे सके जी। अच्छा जी नमस्ते। मेरा फादर का एज 65 इयर्स है। अभी 2 दिन से मेरा फादर को अगर राइट हैंड ऊपर उठाने से फिंगर्स ऐसे अपने आप डाउन हो रहा है। वही हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया था, वो लोग MRI स्कैन बताया है, करवाया हमने, उसमें जो आया है एज रिलेटेड फैक्टर आया है उसमें। वो पता है जी। हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत आप ऐसा करें कि मुझे रिपोर्ट आपने लगभग भेजे है। हाँ भेजे है जी, भेजे है, वो मैंने देख भी लिए है। तो आज केवल मुझे याद दिलाइए, पूरा होने के बाद में उसकी दवाई लिखकर आपको भेज देता हूँ, ठीक है? केवल मुझे याद दिलाइए, तुरंत प्रवचन पूरा होने के बाद तो मैं लिखकर भेज देता हूँ।
ठीक है, ओके ओके ओके, आप बताइए दूसरा नंबर जी। प्रभु दंडवत। क्या मेरी मम्मी, माय 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 मदर 68 साल की है और उनको टेल बोन में कंप्रेशन का प्रॉब्लम और सायाटिका और लोअर रीजन का वेट बहुत ज्यादा है इंक्लूडिंग आर्म्स, और उसको उसी जगह पे बहुत ज्यादा खुजली आती है, ओके ये प्रॉब्लम है उसको। ओके, आपने गूगल फॉर्म भरा है? उनके लिए नहीं भरा। हाँ, उनके लिए एक भर दीजिए। और जो लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है, जो लोग अभी है, तो वो भी एक बार विचार करें। 200 लोगों का जवाब हमने दे दिया है और जो बाकी है उसके जवाब लगभग कल परसों तक हम दे देंगे। 30 लोगों के बाकी है अभी, बाकी 200 का क्रमांक तक के जवाब दे दिए गए हैं। जिसको पूछना है वो लगभग लगभग अभी आज जवाब, जिसको हम फोन से नहीं दे पाए हैं वो कल हम फोन से भी उसको जवाब दे पाएंगे, ताकि हमारा पूरा का पूरा ही एक अच्छी तरह से हो। और भी जो लोगों का कुछ है तो वो हम आग्रह करेंगे कि वो फॉर्म भरे, ताकि आपका जो हिस्ट्री है वो हमारे पास रहे। हम जब दूसरी बार आपको कुछ सूचित करते हैं, पूछते हैं, तो पूरी हिस्ट्री आपकी रहे, तो हम रोगों के लिए अच्छी आपको दवाई सजेस्ट कर सके। पंचकर्म है तो पंचकर्म सजेस्ट कर सके। तो आप फॉर्म भरिए, सब लोग फॉर्म भर के वहां पर जो गर्भ संबंधित फॉर्म है वो गर्भ संबंधित भरे, और जो जनरल चिकित्सा है वो जनरल चिकित्सा में भरे। जी जी उनके लिए मैं भर दूंगी। दो और प्रश्न है, आपने कल बताया था कि धूप में नहीं जाना अगर रसायनों की आप सेवन करेंगे तो हमने औषधियां आपसे मंगाई है, अभी धूप में नहीं जाना इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए ना कि कौन सा टाइम जी सनबाथ के लिए जी अच्छा है। सनबाथ सुबह जब सन उगता है उसी समय का सनबाथ अच्छा रहता है। अरिष्ठा नाम की किरण जो सूर्य से आती है वो पहले पौने घंटे में आती है, पहले 45 मिनट्स होते हैं। वो आयुर्वेद की दृष्टि से, हमारे योग दर्शन की वेद की दृष्टि से वो बहुत ही उत्तम है। इसके लिए सब जगह पर यही लागू होता है नियम। हम लोग केवल उसको एनर्जी के रूप में नहीं देखते है। जैसे उसका हमको यदि चावल बनाना है सूर्य सोनार सोलार में, तो सोलार कुकर में, तो हम दोपहर में रखेंगे, 10-11 बजे रखेंगे तो तुरंत होगा वो। मशीन चलवानी है वो 10-11 बजे का सूर्य बहुत ही ताप वाला होगा। लेकिन हम अर्घ्य देंगे तो किसको देंगे? उगते सूर्य को देंगे। तब दोपहर में हम अर्घ्य नहीं देंगे, मतलब पानी को चढ़ाना है तो सुबह उगा तो हम पानी चढ़ाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे तो सूर्य उगा तब करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध उगते हुए सूर्य के साथ है। तो सूर्य उगा तो उसी समय हम सन बात लेंगे तो वो बहुत ही उपयोगी होगा। उसके बाद का सन हमको नहीं लेना है। जो रस औषधि का सेवन करते हैं वो लोग दोपहर में धूप में न जाए, खास करके तीव्र ताप होता है उसमें वो लोग जाए नहीं। तो वो दोपहर में लगभग लगभग आप मानिए कि 12 से 4 बजे तक का जो ताप होता है वो बहुत ही हीट होता है, बहुत ही मतलब ऐसा होता है, गर्म होता है, तो उसका सेवन न करें, ताकि शरीर में ज्यादातर हमारा गर्मी न बढ़े। तो ये रस औषधि का जो सेवन कर रहे हैं उसके लिए भी नियम है, और लोग भी इसका पालन करेंगे तो उसको भी अच्छा रहेगा। जी, और दूसरा प्रश्न पूछिए गुरु जी। मेरे दो सवाल है। पहला कि मैंने अल्फा अल्फा लेने शुरू किए तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो मुझे मतलब इतना फायदा हुआ है ना, इतना एनर्जेटिक फील होता है, तो मैं हमेशा क्या अल्फा अल्फा ले सकता हूँ? क्योंकि मेरी प्रकृति वात और कफ की है, तो जी ये मेरा पहला सवाल है कि मैं हमेशा अल्फा अल्फा ले सकता हूँ? अल्फा अल्फा में केवल एक ही है कि जब आपको कोई ऐसा हो कि जब आप माने कि जैसे बुखार आ गया तो उस समय कोई औषधि नहीं लेनी है, तो अल्फा अल्फा भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे डायरिया हो गया तो डायरिया में ऐसे सब औषधि छोड़ देनी है, क्योंकि उस समय जठराग्नि ही नहीं होती है जो औषध को पचाती है, तो उस समय छोड़ देनी है। बाकी की सारी अवस्था में जब आप भोजन लेते हैं जिस समय पर,
ऐसी सारी अवस्थाओं में आप अल्फा अल्फा ले सकते हैं, तो इसके लिए कोई ये औषधि बना नहीं रहा था इस तरीके से। छाया शुष्क करके उसको बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा परिणाम उसको, खास करके आफ्टर कोविड या आफ्टर कोई भी डिसीज में जब वीकनेस रहती है तो उसमें अल्फा अल्फा बहुत ही काम करता है। तो आयुर्वेद में अल्फा अल्फा का बहुत ही महत्व बताया गया है, उसका नाम है फादर ऑफ ऑल फूड्स। तो ऐसा उसको अरबी भाषा में कहा जाता है कि फादर ऑफ ऑल फूड्स। तो अल्फा अल्फा का जो हमने एक प्रयोग किया और वो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम मिला हमको, अनेक आपने तो भी किया है लेकिन उसके पहले बहुत लोगों को परिणाम मिला था, इसके लिए हमने उसकी टेबलेट भी की थी। तो उसका आप साधारण अवस्था में सेवन कर सकते, करा सकते हैं, छोटे बालकों के लेकर बड़े लोग तक सब लोग कोई ले सकते है। उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए है, दुनिया का पहला नंबर का विटामिन ए किसी किसी में है तो अल्फा अल्फा में, तीसरा नंबर का विटामिन सी है चौथे नंबर का तो इसमें अल्फा अल्फा में है, विटामिन बी की भी बहुत मात्रा अल्फा अल्फा में है। तो अल्फा अल्फा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसको सेवन करके आसानी से हम लोग शक्ति का संरक्षण कर पाएंगे। और होम्योपैथी में इसके लिए जो शक्ति के लिए जैसे आयुर्वेद में च्यवनप्राश आता है उसी तरह से होम्योपैथी में अल्फा अल्फा का ही उपयोग होता है, तो वो आयुर्वेद की ही एक विशिष्ट औषधि है, तो आप उसको निर्भयता पूर्वक ले सकते हैं। जी आगे गुरुजी नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया था आयुर्वेद में दूसरे व्यक्ति के या किसी और के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो जैसे कभी छोटा बच्चा होता है घर पे तो क्या होता है रिश्तेदार मोस्टली जो पुराने यूज कपड़े होते हैं ना बच्चे के, किसी के घर में बच्चा हुआ होगा तो वो देते हैं, तो उस दृष्टि से क्या सही है उसको पहनाना, या घर में जैसे बच्चा हुआ पैदा तो कहते हैं कि नए कपड़े नहीं पहनाने, यूज किए हुए कपड़े पहनाने चाहिए, तो इसमें क्या कहता है आयुर्वेद, कितना सही है, क्या फॉलो करना चाहिए उसके हिसाब से? अभी देखिए वो मना किया है उसका कारण है आयुर्वेद में उसको प्रसंगात गात्र संस्पर्शात वस्त्रमालानुलेपनात, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से भी कुछ रोग संक्रमित होते हैं, इसके लिए मना किया है। लेकिन जो एक बार यदि बालकों के लिए लेते हैं तो वो एक बार आप यदि उसको ले लिया धो लिया और उसके बाद आपने पहना लिया अच्छी तरह से धोकर अच्छी तरह से सुखा कर उसको धूप में सुखा कर उसके बाद उसको, तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाद में वो वही बच्चा पहने तो कोई चलेगा। लेकिन आयुर्वेद में जिस दृष्टि से मना किया गया है वो इस दृष्टि से कि कभी मैंने किसी का पहन लिया कभी उसने मेरा पहन लिया, तो वो तो आज के समय में भी हम देखते हैं कि जो वायरस वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो रोग होते हैं वो तो इतने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कि वो कपड़े को कपड़े के साथ भी जा सकते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में मना बताया है कि एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनना है। लेकिन इस अवस्था में जैसे एक ने यूज किया है बच्चा है और दूसरे बच्चे को उसको देना है तो उसको हम धोकर सुखा कर और उसके बाद उसी को दे देंगे तो फिर तो वही बच्चा पहनने वाला है, उसके बाद तो ये नहीं पहनने वाला है जिसने दिया है वो, तो ऐसे चलेगा। लेकिन रोज बरोज के जो है उसमें आयुर्वेद ने तो वहां तक कहा है कि अपना जो बेड है वो बेड पर दूसरे को नहीं सोना है, अपने बेड पर किसी को बैठना नहीं, अपना बेड है वो बेड को बेड की तरह ही यूज करना है उसको सोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे है संक्रामंती नरान नरम, तो एक का कोई रोग है उसको यदि उसका बेड दूसरा यूज करता है तो भी वो संभव होता है कि उसको भी वो रोग हो। तो आयुर्वेद में जो हाइजेनिक की बात की है वो बहुत ही सूक्ष्म है, और तब शायद सबको हंसी आती थी कि ऐसे कैसे होगा, एक का कोई हैंडकरचीफ यूज करे या एक का कपड़ा यूज करे और दूसरे को रोग हो जाए ऐसे कैसे होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कोरोना में हमने देखा हो तो, और ऐसे टीबी में देखा ट्यूबरक्यूलोसिस के जंतु में कि कितने सूक्ष्म होते हैं वो, कि एक दूसरे को कैसे संक्रमित करते। तो ये हमको ध्यान रखने के लिए आयुर्वेद ने ये वस्त्र का बताया है। लेकिन बच्चों का जो वस्त्र है उसमें आपको ये मानना है क्योंकि उसकी दृष्टि देखनी है, वो उसको क्या कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बार बार एक दूसरे के कपड़े को चेंज करते रहेंगे तो रोगों की फैलने की संभावना होती है एक दूसरे के रोगों की। लेकिन बच्चों के लिए तो आपने बताया उस तरह से आप ले सकते हैं। जी नमस्ते गुरु जी।
गुरु जी, ये जो मैं अराउंड 35 इयर्स की हूँ और कभी कभी है ना मेरे घुटने बहुत दर्द करते हैं, उसके बाद वापस से कुछ ना कुछ करे तो ये जो पारिजात का पाउडर है वो यूज कर सकते हैं? जैसे पारिजात के पारिजात की टेबलेट भी होती है, पाउडर भी होता है, वो यूज कर सकते हैं, वो इसी के लिए आते। तो वो सुबह शाम फिर कंटिन्यू करना है या कभी कभार ले? या नहीं नहीं, वो कंटिन्यू करे, कम से कम 2 महीने कंटिन्यू खाए और उसके बाद आप हफ्ते में 2 या 3 बार खाए। कभी कभार कोई औषध खाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है, या तो हफ्ते में एक बार, वो भी रेगुलर हफ्ते में एक बार, मतलब एक बार ले तो ले ही, मतलब शनिवार को रखे तो शनिवार को ही ले, और 2 बार ले तो फिर 2 बार ले, लेकिन वही टाइम पर ले जो टाइम आप फिक्स करते हैं। क्योंकि हम पहले भी बार बता चुके हैं औषध का लेने का एक तरीका है कि उसको आप डेली लेते हैं तो वही टाइम पर लीजिए तो शरीर उसका मैकेनिज्म पचाने का तैयार करता है उसी समय पर। कभी कभार हम खा लेते हैं तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रहता है। जी प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, 2 अनुरोध हैं, एक तो सूर्य चिकित्सा के ऊपर एक क्लास हम चाहते हैं और दूसरा क्लास जो चाहते हैं वो आहार के ऊपर, क्योंकि हमें तो अभी ये नहीं जानकारी है कि कब कौन सा आहार बनाना है इस और कैसे बनाना है, तो ये 2 अनुरोध थे, इस पे मार्गदर्शन। जी, पहली बात यह है कि आहार का हम अलग से लगभग अगली बार ही आहार जो अनुकूल अनुकूलता रही तो अगली बार लगभग मैं नहीं रहूंगा या रहूंगा पता नहीं है, क्योंकि उस 1-2 कार्यक्रम है। लेकिन यदि मानो कि हम लोग क्लास अगला करते हैं तो उसके लिए हम पूरा आहार के ऊपर एक बताएंगे, क्योंकि आहार कैसा लेना है, कैसा नहीं लेना है, किस पात्र में लेना है और कौन से मंत्र बोलने हैं। मंत्र की भी बात आयुर्वेद में बताई गई है, भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में खास करके 2 मंत्र आए हैं जो पाचन के लिए हमने बहुत ही उपयोग किया, उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। तो इसके लिए वो कौन से मंत्र है, किस तरह का बैठक बैठना है, भोजन के वक्त भाव कौन सा रखना है, भोजन किस तरह का बना हुआ चाहिए, किसके हाथों का बना हुआ चाहिए, जिस जो बनाता है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, तो ये सभी की विवरण आयुर्वेद में, उपनिषदों में, अलग 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 ग्रंथों में दिया है, तो उसका एक पूरा का पूरा हम विवरण लेंगे। दूसरी बात है सूर्य चिकित्सा, तो सूर्य चिकित्सा के बारे में भी बहुत कुछ ज्ञातव्य बातें हैं। अपने यहाँ पर भी हम लोग सूर्य की चिकित्सा के द्वारा अनेक रोगों पर कार्य कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जल्द ही एक सेशन लेंगे। जी अभी कोई? जी नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, मेरा 2 सवाल है। एक ये कि मैंने जो एक सोनोग्राफी करवाया था तो उसमें एक रिपोर्ट में नॉर्मल आता है, एक अदर रिपोर्ट में उसमें आया है कि हेप्टोमेगाली, तो और हमको 2.5 साल से भूख नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? और हमको नाभि का भी समस्या है। समझ गया, सबसे पहली बात जान ले, एक तो आप गूगल फॉर्म भरे हमारा, तो रिपोर्ट फॉर्म मैंने भरा था, कब भरा है, नंबर क्या है? 32 नंबर केवल 32 जी। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ और उसमें ये आपके जो रिपोर्ट से उसमें क्या क्या है और आपको मैं बताता हूँ कि उसके लिए क्या। खास करके एक ऐसा होता है भूख न लगने के कारण में नाभि आपकी ठीक नहीं होगी यदि, या स्थान पर नहीं होगी तो भी भूख नहीं लग सकती है। अजीर्ण के बहुत सारे प्रकार है, उसमें 4 मुख्य है, अजीर्ण के कारण भी भूख नहीं लग सकती है, उसमें रस्सेसा जीर्ण है, विदग्धा जीर्ण है, विष्टब्धा जीर्ण है और अपना रस्सेसा जीर्ण है। तो इसके लिए विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, आमा जीर्ण या फिर रस्सेसा जीर्ण, 4 में से किसी भी प्रकार का अजीर्ण रहा तो भी भूख नहीं लग सकती है। नाभि स्थान पर नहीं है, मानो कोई कारणवश कोई घात उपघात लगा हो और नाभि खिसक गई हो तो भी भूख नहीं लगती है। तो इसके लिए क्या कारण है वो दूर करके उसके बाद अग्नि को प्रदीप्त करने वाले अलग 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 औषधियां दी जाती है और 1-2 बार बस्ती का प्रयोग भी कराया जाता है, तो उससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पचन अच्छा होता है, तो वो हम आपको बताएंगे। 32 नंबर है तो हम आपसे बात करेंगे सेशन के बाद, आप मैसेज करके रहिए,
तो वो हम पुनः 32 नंबर देखकर आपसे बात करेंगे जी। और कोई? चरण वंदना गुरुजी। गुरुजी मैं पूनम वडोदरा से बोल रही हूँ। हम आपके बहुत ऋणी हैं कि आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। गुरुजी मैंने पहले भी आपको एक्सपीरियंस किया था कि मैंने पेन किलर ड्रॉप यूज किया था, उसका मैजिक वो तो जबरदस्त थे। आज भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके यहाँ से, मैं सामान तो खूब मंगवाती हूँ बट कुछ ऐसे जैसे गैस के और वगैरह एक मंगा के रखा था, जबकि आजकल क्योंकि सबको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, जबकि कुछ जो फैक्टर्स है, रीजन है, वो हमारे हाथ में है कि हम लाइफस्टाइल चेंज करें तो नहीं होगी, बट कुछ जो रीजन है वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जैसे कुछ हम GMOs है या हाइब्रिड हम कुछ खाते हैं तो जिसके कारण हो जाती है प्रॉब्लम। बट कुछ मेरे आसपास ऐसे लोग थे तो जिनको एलोपैथी में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो उनको जरूरत पड़ी, उनको बहुत ट्रबल आ रही थी और वो पेंटॉप वगैरह खा खा के परेशान थे, बट मैंने दिया उनको और उसने जबरदस्त काम किया। और ये मैंने 3-4 लोगों को दे चुकी हूँ। क्या दिया था आपने? ये गैस क्योर। गैस क्योर मतलब? आपके आपके यहाँ से कैप्सूल मंगवाया था गैस क्योर का ना? जी जी। तो वो बहुत जबरदस्त उसने, मतलब जो 4 लोगों को दिया है मैंने अभी तक, वो मैंने बॉटल खुद नहीं उसमें से एक भी यूज किया, बट 4 अलग अलग लोगों को दिया, सभी ने बोला कि ये जबरदस्त है, सबने आपके यहाँ का मेरे से एड्रेस भी लिया है। तो मैं आज ये बताना चाह रही थी कि जितने भी हम लोग सुन रहे हैं और लोग भी, कि सब अपने घर में कुछ ना कुछ मेडिसिन रखते हैं एलोपैथी, तो मैं मतलब सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना बढ़िया हमें एक जगह मिली है जहाँ से आप लोग ले सकते हो, सब अपने घर में ये जरूर रखें, क्योंकि जा खुद को या किसी और को जरूरत पड़े तो ये काम करें। गुरु जी और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। जी प्रणाम आचार्य जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो अभी अभी आपने कैल्शियम डिफिशियंसी की जो बात की, तो ये जो कैल्शियम ड्रॉप्स हैं ये क्या डिफिशियंसी होने पर ही लेने हैं या हम वैसे भी ले सकते हैं कि डिफिशियंसी ना हो? हाँ, दोनों परिस्थिति में आप ले सकते हैं। कैल्शियम डिफिशियंसी है तो भी ले सकते हैं, और कैल्शियम डिफिशियंसी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि कैल्शियम डिफिशियंसी न हो जी, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दुष्प्रभाव उसका नहीं है, आप ले सकते हैं उसको जी। और दूसरा प्रश्न? हेलो हेलो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी एक तो मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मैंने गूगल फॉर्म भरा था, मुझे आपसे कुछ उसके बारे में बात करनी है। नंबर है 083। और ज्यादातर अभी देखने को हो रहा है तो कल आप बात कर सकते हैं उसके लिए, कल सुबह में या तो फिर कल दोपहर में 3 से 5। जिन जिन लोगों को फोन नहीं उठता है वो लोग दूसरे तीसरे दिन बात करेंगे, हो जाएगी, कल आपकी बात हो जाएगी, तो कल आप बात करें। फॉर्म जिसको भर नहीं दिया है वो पहले भर दे, उसके बाद बात करें, ताकि हम आपका रिकॉर्ड देख कर उसके बाद तैयार रखे कि क्या क्या है। तो हम रिकॉर्ड लेकर ही बैठते हैं, तो आप जब भी बात करेंगे तो सामने ही रिकॉर्ड होगा, आप जैसे नंबर बताएंगे ऐसे हम आपको बता देंगे जी। और कोई? मेरा दूसरा प्रश्न है, मेरे अंकल हैं, तकरीबन 75 साल एज है उनकी, उनका 4 दिसंबर को सर्जरी हुई थी आंख की। उस दिन तो ठीक रहे, रात को अच्छे से सोए, लेकिन सुबह उनको होश नहीं आया, तब से वो होश है, तब से हाँ जी, पिछले 21-22 दिन से वो हॉस्पिटलाइज है। मतलब किस तरह का ऑपरेशन हुआ था? उनकी आंख की सर्जरी हुई थी। ओके। उसके बाद मतलब... डॉक्टर्स ने कहा कि उनके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो ब्लीडिंग भी कई मेडिसिन से, लेकिन उसके बाद भी आज 22 दिन से उनको होश नहीं आ रहा। जैसे इसमें क्या है कि आंखों की किस प्रकार की सर्जरी है उसमें 2-3 गलतियां हो सकती है। एक तो एनेस्थेसिया दिया हो, उसमें कुछ हुआ हो, या फिर उसकी कोई ऐसी अवस्था ना हो ऑपरेशन की, और ऑपरेशन किया हो तो भी ऐसा हो सकता है।
और कुछ आंखों में भी ज्यादा बर्डन आया हो कोई कारण से, लेकिन वो मुझे पहले तो ये देखना होगा कि किस प्रकार की सर्जरी थी और उसमें हम आयुर्वेद से क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बताते हैं कि हम अभी थोड़े ही दिन में ये शुरू करने वाले हैं, अभी अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ, कल से नहीं होगा, हम करेंगे ताकि उसके लिए तो कोई ऐसे जल्द न करे फोन, लेकिन थोड़े दिनों में जैसे अभी हम खाली होते तो किसी को भी किसी भी प्रकार की सर्जरी है उसका यदि करना है तो हमारी एलोपैथ के भी डॉक्टर की भी टीम बन रही है, आयुर्वेद के तो डेफिनेटली अच्छे अच्छे डॉक्टर है हमारे पास, और ऐसे करके उसको निशुल्क रूप में हम उसको एडवाइस दे सकते हैं, ताकि एक लोग जो अननेसेसरी सर्जरी है उससे बच पाए। आज का ही मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे शहर से बहुत लोग आते हैं तो उसमें हम मर्म थेरेपी और इस तरह की बहुत सारी अग्निकर्म वगैरह कराते हैं। एक व्यक्ति को 2 साल से स्पोंडलाइसिस था, मतलब इस तरह से वो करता तो बहुत तकलीफ होती थी, उसको 2 साल तक इतने रिपोर्ट्स करे उसने, उससे मतलब इतना फर्क नहीं पड़ा, अग्निकर्म कराया और बाद में थोड़ी औषधियां ली उसने, थोड़ा मसाज चालू किया, तो उसको स्पोंडलाइसिस में यदि उसको नॉलेज नहीं होता तो वो सर्जरी कराता, राजकोट के लगभग लगभग सभी डॉक्टरों ने उसको सर्जरी की एडवाइस दी थी, और सर्जरी के बाद उसका पूरा जीवन उसमें यदि थोड़ा भी उसको लगता तो वो पूरा बेड में जा सकता था, सर्जरी की साइड इफेक्ट यदि होती किसी में भी तो वो पूरा जीवन बेड में जा सकता था। अब कितनी छोटी बात थी, उसकी चिकित्सा मुश्किल से 5 दिन चली थी, 5 दिन, 5 दिन में 2 घंटे 1 घंटे रोज 5 घंटे का काम था, 5 घंटे में उसका जैसे पहले था ऐसा ही हो गया, मतलब स्वस्थ हो गया। तो ये सबको हम लाभ देना चाहते हैं कि ये सब जगह पर ये चिकित्सा लोग सीखे, उसका उपयोग करें और बहुत ही निम्न मतलब न्यून रुपए में अपने जो बहुत ही कम खर्च में उसको अपने रोग से भी वो करे, और ऋषि मुनियों का ये जो ज्ञान है उसका उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंच कर सके। उसमें हमको सबसे जरूरी जो बात लगती है वो आंखों की है, क्योंकि आयुर्वेद के वो क्षेत्र में आज इतना काम नहीं हुआ है। तो अभी मुझे आप फॉर्म भर के भेज दीजिए, उसमें किस कारण से उसको ये हुआ है वो हम उसके भी एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे रिपोर्ट्स को देखकर, और उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अवस्था बहुत ही चिंता की होती है, जिसके स्वजन होते हैं उसको पता होता है कि इस अवस्था में हमारा इतना दुख होता है हमको कि वो साधारण आदमी उसको समझ नहीं पाता है जब तक वो अवस्था में नहीं आता है, लेकिन हम ये सारी अवस्था में भी आ गए हैं, और एक हजारों हजारों लोगों के ऐसे दुख देखे हमने कि हमारे लिए ये सब मायने नहीं रखता है। इसके लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ऐसे कोई भी आपको लगे पेशेंट चाहे वो कोई भी हो तो उसका हमको अवश्य आप उसके बारे में जिक्र करें, और हम उसकी हो सकती है उतनी सेवा करेंगे, उसका भी ये चिंता न करें कि उसकी परिस्थिति भी खराब है आर्थिक, तो भी हम उसके कोई अपेक्षा भी नहीं रखेंगे, और जो दवाई चाहिए वो हमारी तरफ से हम भिजवाएंगे। तो ये मिशन है हमारा, वो हमेशा सब लोग याद रखें, ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कोई कंपनी नहीं है कि उसको कोई किसी को कुछ बना देना है, किसी को कुछ ऐसा नहीं है, वो एक व्यवस्था है ऋषि मुनियों की, इस व्यवस्था को लेकर ये गुरुकुल चल रहा है, तो वो एक है, लेकिन दूसरा पक्ष तो है कि हमको सबको स्वस्थ बनाना है और रोगों से उसको बचाना है, नहीं तो एक बार आदमी की एक गलती डॉक्टर की हो जाती है ना, और पेशेंट को या किसी को भी पूरे जीवन भर सताती है। तो ये हम काम करना चाहते हैं, आप भर दीजिए उसका फॉर्म और बाद में मेरे साथ बात करें कल, तो उसका मैं बताऊंगा कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जी प्रणाम आचार्य जी। जी अच्छा, मैं राजीव बोल रहा हूँ कलकत्ता से। जी आचार्य जी, आपने कल पानी के बारे में बोल रहे थे, तो मेरा 2 प्रश्न है पानी के ऊपर। एक तो जल शुद्धि, ये जल शुद्धि क्या हम लोग नॉर्मल फिल्टर पानी में ले सकते हैं, या अगर पानी शुद्ध नहीं है तो उसमें डाल के पी सकते हैं? देखिए, जल शुद्धि बूंद है वो फिल्टर किए हुए पानी में भी आप डाल सकते हैं,
अपने पानी जो यूज करते हैं उसमें आप डालते कर उसको पी सकते हैं, सबका साथ पानी भरा है उसमें भी डालकर पी सकते हैं। तो आयुर्वेद की जल शुद्धि की जो कल्पना है और एक उसका जो एक कंसेप्ट है जल शुद्धि का वो अलग है, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा एक सेशन लेने वाले हैं कि जल कैसे पीना है, इसमें कौन सी वस्तुएं डालनी है, आयुर्वेद ने उसका क्या विचार किया है, पीएच के बारे में क्या विचार किया है, टीडीएस के बारे में क्या किया विचार किया है, जो अभी मॉडर्न कंसेप्ट है पानी की उसके बारे में आयुर्वेद ने क्या बताया है वो भी हम कभी चर्चा करेंगे। जी हाँ हेलो आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी मैंने गूगल फॉर्म भर दिया था, अपने दवा लिख दिया था। नवाम नंबर एक मिनट, नंबर क्या है आचार्य जी? नंबर मुझसे गलती से ईमेल डिलीट हो गया था इसलिए नंबर। ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रश्न क्या था? आपने दवा तो लिख दिया था, आपने जो जो लिखा था उससे पहले भी वो तो मेरी दवा मतलब जो आपने लिखा है वही वही मैंने मंगाया है, उसके पहले okay. आप दवा दे रहे थे और चल रही थी आपकी दवा, लेकिन आपने तो जो दवा दिया है मैंने वो देखा उसमें पूरी दवा जितनी प्रॉब्लम्स मेरी है उसमें पूरी दवा तो नहीं है। तो मैंने आपसे बात की थी, आपने बोला था कि मैं मतलब देख के उसके बाद बता दूंगा। ठीक है फिर आप एक बार याद दिला दीजिए कल उसका हम बता दें। सारी चीज सारी, लेकिन मैं 3-4 दिन से लगातार आपको कॉल कर रहा हूं। हां हां समझ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के है तो कदाचित आप ना आया हो, फिर से एक बार आप कर दीजिए कल ट्राई। हम कल लगभग आचार्य जी एक बार पानी से। हां 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 बोलिए। हेलो हां कोई और है कि सुनाई नहीं देता? राजेश्वर जी म्यूट हो गया है। हेलो हां जी हाँ जी पानी का कुछ पूछना चाहते हैं जी बताइए। तो आपने बोला था कि पानी जैसे फिल्टर आरओ का जो पानी होता है। नहीं नहीं एक मिनट, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ हाँ सर जी, जैसे जो आप बोलते हैं ना कि पानी को उबाल मैंने वही बताया, आरओ का हो या न हो पानी को उबालना जरूरी होता है। पानी को उबालना और आरओ से फिल्टर करना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो चाहे फिल्टर करे या न करे वो दूसरी बात है, लेकिन उसको उबालना बहुत जरूरी होता है। जी जो पानी वो उबाल हेलो राजेश हेलो और करे जी हाँ बोलिए जी जी। मैंने गूगल फॉर्म भरा था हाँ, तो मेरे को शुगर और हार्ट में थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी हाँ, तो एक फाइल मैंने पूरी ले ली दवाई, तो कितने दिन उसको कंटिन्यू रखूं मेडिसिन? उसको कंटिन्यू 2 महीने रख, 2 महीने रखने ना जी। और एक मुझे और पूछना था, मेरे छोटे भाई को थोड़ा प्रॉब्लम है, ईडी की समस्या थी, उन्होंने भी गूगल फॉर्म भरा है तो उसका आंसर नहीं आया होगा शायद। नहीं मैं आंसर आ गया सर, तो उनकी भी मेडिसिन चालू कर दी है सप्ताह। हाँ ठीक है, तो उनकी 2 महीना बाद फिर आपको रिपोर्ट करूंगा। 2 महीने के बाद जी 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 उसी गूगल फॉर्म में या फोन करके या ऐसे ही गूगल फॉर्म में, वही गूगल फॉर्म में आप पर रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है अच्छा एक चीज और पूछना था, जो आप अर्जुन छाल की चाय बोले थे पीने के लिए, तो वो दूध में ले सकते हैं? दूध में ले सकते हैं या पानी में भी ले सकते हैं क्या उसको? पानी में भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं, सबसे अच्छा अनुपान दूध का है, तो दूध में गाय के दूध में लेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम। खाली पेट लेना चाहिए ना? खाली पेट या कभी भी ले सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है खाली पेट, कभी भी ले सकते। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। जी हेलो गुरु वंदन प्रभु जी। पर जब मैं भाई बैठी रहूं या भाई मैं कुछ व्यस्त रहूं तो साफ कह देते रोटी लाने के लिए। कोई पूछेंगे दूसरे? वैसे मैं कपड़े धोती हूं। म्यूट करिए, म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर जी। और किसी का प्रश्न है तो? हां गुरु वंदन प्रभु जी। हां मेरा पीरियड्स का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और जब वो चेक किया सोनोग्राफी में तो एंडोमेट्रियम थिक हो गया है।
ओके तो उसके लिए डॉक्टर ने फिर वो मरीना डाल के वो थोड़ा सा सब बोला है सर्जरी करने तो, पर मुझे एलोपैथी नहीं लेना है तो फिर कैसे करना है, मैंने क्या करना है? कहाँ रहते हैं आप? नासिक महाराष्ट्र। ओके देखिए नासिक में तो कोई ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था में यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तर बस्ती होती है तो अच्छा। आप गुजरात आ सकते हैं यदि हाँ। तो एक हम जल्दी शिविर रखने वाले हैं, या तो उसमें आइए आप, गर्भ संस्कार की 3 दिन की शिविर होती है उसमें अच्छा। या तो फिर आप स्पेशली आ जाए तो इसके लिए उत्तर बस्ती देते हैं 2-3 दिन, तो उसमें लगभग लगभग एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं रहती है अच्छा। लेकिन उसके लिए उपाय उत्तर बस्ती का होता है जो आपको पता है कि वो बस्ती दी जाती है 2 या 3, लेकिन वो उसकी आपकी स्थिति को देखकर पता चलेगा कि 2 या 3 देनी है और उसके बाद सारी दवाई वहां पर दी जाती है जो कुछ दवाइयां आपको खाने की होती है। तो इस आने का कैसे प्लान करना है, कब? आप एक काम करें, 3-4 दिन के बाद हमारे जो गायनेक है, मतलब आयुर्वेद गायनेक है, उसका उसके साथ बात करके, आप नासिक में ही रहते हैं ना? हाँ, हाँ, गुरुजी। तो आसानी से आ सकते हैं हमारे केंद्र पर, और हाँ तो उसके बाद वहाँ पर जो आपको समय देते हैं वो समय पर आप आ जाइए यहाँ पर राजकोट में, और आपको वो देखकर उसके बाद आपको जो उत्तर बस्ती का प्रोग्राम है वो 2 या 3 दिन का होगा तो वो हम आपका अरेंज करके लगभग परसों बता देंगे। तो परसों आप मुझे फोन करिए, और परसों करिए, कल नहीं, कल पेशेंट के आएंगे तो परसों करिए, परसों करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरा नासिक में ये है, तो उसके लिए मैं एक नंबर आपको शेयर करूंगा, वो नंबर के साथ आप संपर्क में रहिए, और फिर आप यहाँ पर आकर फिर हम उत्तर बस्ती का प्लान है तो उत्तर बस्ती एक बार आपको करवाएंगे। तब तक उससे पहले मैं उनसे बात करवाऊंगा ताकि आपको कितने दिन तक आना है और किस तरह से आयोजन करेंगे वो सब हम बता देंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि ना वो मुझे बार बार टैबलेट देते, फिर उसके वजह से एंडोमेट्रियम लूज होता है, फिर वो 4-6 महीने फिर वो गड़बड़ होती है। हाँ, वो मुझे पता है पूरी सिस्टम। तो इसके लिए उत्तर बस्ती का मैंने बताया ना, तो ऐसे एलोपैथी में उसके लिए बहुत ही वो है, मतलब उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं है उसका। हाँ, फिर वो तो बोलते कि एनेस्थेसिया देके तुम्हारा पूरा करना पड़ेगा क्लीन यूटेरस। जी, क्लीन करते हैं वो लोग। हाँ। तो उसके लिए हमारी उत्तर बस्ती क्लीन करने के लिए ही आती है, ठीक है। लेकिन वो एक प्रक्रिया आयुर्वेद की है, जो बस्ती की प्रक्रिया है वो, तो उसको हम यहाँ पर करते हैं तो बताएंगे आपको। तो उसमें हम गायनेक में खास करके जो स्त्री रोग है और कौमारवृत्तिम अर्थात बालकों के रोग है, उस दो के ऊपर विशेष कार्य करते हैं। इवन योनि मार्ग में जो अग्निकर्म होता है वो लगभग लगभग पूरे भारत में बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो गर्भाशय क्या, अगर जो उसका एक प्रकार की गांठ है या ऐसा कुछ, तो उसके एक प्रकार का अग्निकर्म किया जाता है जिसको योनि से मतलब उसको थर्मल कोटरी को ये करके दिया जाता है, उसमें बहुत सावधानी चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पर ही करते हैं अग्निकर्म का, और खास करके बच्चों के जो कर्णवेद के जैसे संस्कार है, जिसको कर्ण का कान को विंधना है, पुत्रेष्टि याग करना है, तो अभी तो कोई भी व्यक्ति छेद करके, लेकिन बच्चों को प्रॉपर तरीके से कैसे कर्णवेद करना है वो भी हम सिखाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कर्म है जो यहाँ हो पाते हैं, तो वो हम ही करते हैं। बाकी साधारण आपका अभ्यंग है या मसाज है वो तो कोई भी आपके यहाँ कर देगा, कोई विशेष प्रकार का जो स्त्री के मतलब रोगों का, इस प्रकार के रोग का अग्निकर्म वगैरह वो हम यहाँ कर पाते हैं, तो वो आपको बुला लेंगे। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उसके साथ आप संपर्क रहिएगा, ठीक है जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। मन अग्नि कब्जियत और आम आता हो तो संशोधन क्रम कर सकते हैं? हाँ, संशोधन क्रम तो कर सकते हैं मंदाग्नि हो, लेकिन उसमें अशक्ति नहीं होनी चाहिए आपको। वीकनेस है यदि आपको तो नहीं कर सकते, बाकी वीकनेस नहीं है तो कर सकते हैं जी। आगे सर, नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। सर मेरा नाम नागेंद्र है, मेरे को थोड़ा ये नी प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट हुआ था जी, मेनिस्कस टियर हो गया कहते बोल दिया है, सर्जरी करना कहते बोल रहा है डॉक्टर।
तो इसके लिए सर्जरी का जरूरत है, नहीं तो आयुर्वेद से होमियो में कोई भी ट्रीटमेंट जरूरत है। उसका तो मतलब यहाँ से तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि वो तो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। वहां पर ही कोई यदि अस्थि विशेषज्ञ वैद्य हो कोई, तो या कोई एक्यूप्रेशर पंचर मर्म थेरेपिस्ट, तो उसमें आपको ज्यादा दवाई से ज्यादा लाभ एक्सरसाइज करेगी। और आयुर्वेद की मर्म थेरेपी आती है तो वो करेगी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि वहाँ कोई नहीं है तो आप हमको बताइएगा, तो हम प्रयत्न करेंगे उसको मर्म से या अग्नि कर्म से यहाँ ठीक करने का। लेकिन आपका दूर बहुत है, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप वहां पर किसी एक्सपर्ट को देखकर मर्म थेरेपिस्ट हो या फिर कोई एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सा कोई हो, तो उसको इस तरह से आप उसका बताइए, क्योंकि हम यहाँ से वो नहीं बता पाएंगे कि आपको ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो अवस्था के ऊपर निर्भर रहेगा कितना घात हुआ है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट ऐसा होता है कि वो कितना डैमेज हुआ है वो देखना पड़ता है, और उसी के बाद हम निर्णय दे सकते हैं। आपको यदि है तो आप गूगल फॉर्म भर के अभी अपना सारे रिपोर्ट्स उसमें अपलोड कर दीजिए, तो उसके ऊपर हम विचार करके आपको बताएं। जी हेलो अजीत जी। प्रणाम गुरु जी। मैं अजीत कुमार यादव कोलकाता से। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ जी, मुझे मेरा एक सवाल था गुरु जी। जी थोड़ा, मैं शुद्ध शाकाहारी अगर आदमी हो तो प्याज लहसुन खा सकता है क्या? क्या शुद्ध शाकाहारी आदमी? हाँ, प्याज लहसुन खा सकता है। हाँ, शाकाहारी आदमी तो खा सकता है ना, डेफिनेटली वो शाक ही है, शाक वर्ग में ही दोनों आते हैं। जी वो मसाले तो नहीं आता है ना गुरु जी? नहीं 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 वो गुरु जी सब नहीं खाते हैं, उस है सब ठीक ठाक है ना गुरु जी? हाँ वो ठीक है, तो शाकाहारी में जी, शाकाहारी जी। तो आगे कोई? हाँ जी गुरुदेव नमस्कार। हाँ मैं दिवाकर भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। हाँ मैं पहले तो आपके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप तो बहुत महान कार्य कर रहे हैं जी। तो मेरा कहना है कि ये जो तो कम आ रहे इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जो ज्ञान है वो सदा के लिए ही रहेगा यूट्यूब फेसबुक में, तो जारी रखिए। और मेरा एक तो प्रश्न है, मेरा एक तो भैया वो फॉर्म में फिलअप किया था गूगल फॉर्म 15 नंबर का, एक्चुअली उनका किडनी का समस्या है, वो तो अभी दवाई भी मंगा लिया है, वो भी चालू कर दी, लेकिन उनका जो समस्या है वो उनका स्टैंड भी लगा है, हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उनका जो किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल वो भी थोड़ा बढ़ गया है, 5 पॉइंट हो गया है समथिंग, तो दवाई कितने दिन तक चालू रखेंगे? तो वो पहला डोज आएगा, वो आपकी किडनी और हृदय की समस्या है वो लोगों को 1.5 महीना और बाकी के लोगों को 2 महीना, तो आपको 1.5 महीना रख ऐसा लिखा ही है वेबसाइट पर। ओके एनीवे 1.5 महीना जो हार्ट का और किडनी के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है वो 1.5 महीना, और दूसरे लोग 2 महीने तक पहला डोज ले। जी और एक बात है, उनको जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो कंटिन्यू करना है क्या? वो उसको वो अभी कंटिन्यूस करना है, जब हमने कुछ लिखा नहीं तो कंटिन्यूस करना है, नहीं तो हम विशेष रूप से कहेंगे कि बंद करना है ऐसा। ठीक है जी जी धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न रह गया था पानी के बारे में है, कि जिस कुछ लोग, मेरी बेटी हमेशा गर्म पानी पीती है, तो क्या ये उचित है? वो पहले से यदि आदत हो मतलब अभी तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन गर्मियों में नहीं पीना है तो उसको अभी कोई तकलीफ नहीं, ठंड है या फिर बारिश है उसकी ऋतु में तो पी सकती है, लेकिन जब मतलब गर्मी है तो उसको गर्म पानी नहीं देना है, थोड़ा ठंडा करके उसको दे सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई तकलीफ नहीं, ठंड है या वो ऐसी ऋतु है तो कोई तकलीफ नहीं। जी नमस्ते आचार्य जी। जी मुझे ये पूछना था, मेरे नानी माँ के लिए, उनका तो उम्र बहुत हो चुका है, लगभग 76-78 हो गया है, उनको अभी क्या है, वो तो हरदम सादा ही खाना खाते हैं, लेकिन उनको पेट में बहुत जलन होते हैं,
और कमर से ले घुटना से लेके कमर तक थोड़ा मतलब जब सोते हैं रात को तब थोड़ा दर्द होते हैं। तो मैंने एक बार गुलकंद उनको दिया था आपका वहाँ का पेट में जलन, तो थोड़ा उनको राहत मिला था, लेकिन वो जो पैरों से घुटना से लेके कमर तक थोड़ा मतलब अंदर ही अंदर दर्द होता है, तो उसके लिए ऐसे कुछ दे सकते हैं क्या उनको अपना संस्कृत या गुरुकुलम से कुछ मंगवा? उसके लिए दो तीन बातें याद है, एक तो पेन क्योर ड्रॉप्स दे सकते हैं जी, और एक मसाज तेल से मसाज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि दर्द है तो उसमें आप वात्रोघर मसाज तेल का मसाज करेंगे वो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो एक तो वात्रोघर मसाज तेल से मसाज करना है और पेन क्योर ड्रॉप्स पानी के साथ देना है, ठीक है? अच्छा, और जलन के लिए जलन के लिए आपने गुलकंद ही अच्छा है, तो गुलकंद चालू रखे और बस ये एक ही अभी तो चालू। ठीक ठीक, आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार, मैं संजय बोल रहा हूँ। जी जी, वो हमने गूगल फॉर्म भरा था जी 15-20 दिन पहले, बच्चे को मुंह पे उसके मतलब वो जो क्या निकलती है ना फुंसी, क्या बोलते हैं उसको, वो डॉक्टर ने बताया एक्ने जी, तो हमने फॉर्म भरा उसका, जरा हमारा आया नहीं है और वो ओके वो कौन सा नंबर था? हाँ जी, झड़ते हैं वो, उसका हमने दिया। एक मिनट, एक नंबर क्या है उसका फॉर्म का? तो मुझे देखना आया। अभी कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरे तो उसमें एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आप याद रखें ताकि आपको नहीं मिला है तो वो नंबर पर हमने सेंड किया है या गलती हुई है वो पता चले। तो सब लोगों को अनुरोध नंबर याद रखें अपने फॉर्म का, तो हम यहाँ से चेक करके तुरंत बताएंगे। आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर आपका है, ठीक है? अच्छा, या फिर आप अपना नाम भी बताएंगे तो हम कल उसको देख लेंगे कि आपका नाम क्या है, तो उससे हम आपको किस नंबर पे फोन करें कल? कल व्हाट्सएप करें, ये नंबर पर कल करें, बाद में मैं आपको एक नंबर बताऊंगा वो नंबर पर आप करें। कल ये नंबर पर करते तो मैं अमित भाई से कनेक्ट करवाऊंगा आपसे, तो वो आपको हेल्प करेंगे, बराबर है? या अमित भाई को सीधा फोन करें, अमित भाई का नंबर है? नहीं, हमारे पास तो किसी का राजेश्वर राव जी दे देंगे, 8686 वाला नंबर है। राजेश्वर राव जी का है मेरे पास, अब उनसे पूछकर वो ग्रुप में ही डाल देंगे अमित भाई का नंबर। अमित भाई को पूछिए कि मेरा गूगल फोन का नंबर क्या है, मेरा नाम ये है, ठीक है? आचार्य जी, मेरी माता जी को अस्थमा है, वो थोड़ा वो इनहेलर लेती हैं एलोपैथी का जी, और मेरी माता जी की उम्र है 65 साल, और वो 65 साल है, लाल लाल हो जाती है, धब्बे हो जाते हैं अंदर लाल लाल जब वो लेती रहती है। तो उसके लिए सांसों के लिए एक तो नश्य कर्म चालू करें, किसी भी प्रकार का सादे घी का भी कर सकते हैं, पंचगव्य घी का भी कर सकते हैं, और दूसरा उसके लिए ऑक्सी सिरप आप मंगवा लीजिएगा। ऑक्सी सिरप तो वो जिसको भी सांस की तकलीफें है या लंग्स की तकलीफ है, श्वास संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारियों में वो बहुत ही अच्छी दवाई है जी, उसको श्वासरी भी कहते हैं, तो एक मंगा लीजिएगा जी। और दूसरा कोई प्रश्न है तो जी? प्रणाम आचार्य जी, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ, प्रज्ञा। आचार्य जी, मेरी एक बेटी है 12 साल की, उसको स्क्विंट आई, आंखों के तिरछेपन का प्रॉब्लम था, अभी लास्ट ईयर उसको ऑपरेट करवाया है, उसके बाद से आंख ठीक है, और अभी पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि बिल्कुल हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से स्क्विंट आ रहा है, तो स्क्विंट आई के लिए कुछ आयुर्वेद में हम कर सकते हैं क्या? अभी उसके कोई रिपोर्ट्स निकाले हैं आपने? आई का कहां पर हिस्ट्री है कुछ उसकी? हिस्ट्री गुरुजी अभी मेरे पास में हॉस्पिटल में है, लेकिन हम नेक्स्ट विजिट पे उनसे लेके आ सकते हैं कि उनके पास पूरा डिटेल। तो उसका एक बार मुझे भेजिए, उसमें हम अवश्य प्रयत्न करेंगे कुछ इसमें है तो, नहीं तो आपको एक हॉस्पिटल मतलब आयुर्वेद की बताएंगे जो आपके यहाँ ही बंबई में होगी आयुर्वेद की, तो उससे आपको कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है? वो आई के लिए तो उसका पहले हम आप हमको रिपोर्ट भेजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको उसमें क्या करना है, ठीक है जी? गुरुजी धन्यवाद। ओके, गोपाल जी। आचार्य जी प्रणाम। हाँ हाँ जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। हाँ हाँ बोलिए, कैसे है? ठीक है जी 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 जी, 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 जी। बेटे का था आचार्य जी, आपने दिसंबर में बुलाएंगे।
जो लोगों को गए हैं उसके लिए अभी व्यवस्था हो रही है, तो हम लगभग लगभग बुला लेंगे आपको। अगले महीने शिविर है फरवरी में, उसी समय आपके बालक को बुला लेंगे। वो बड़ा बालक है वही है ना, मतलब 14-15 साल का है? नहीं, जी, जी, हाँ वही। तो ठीक है, उसको हमको पता है बड़े बालकों का जब ने बुलाना है थोड़े अपवाद को, तो उसमें हम आपके बालक को बुलाए। ठीक है, अभी मैंने गूगल फॉर्म भी भरना है और गूगल फॉर्म भरिए चिकित्सा का है वो, तो यहाँ रिकॉर्ड के लिए वैद्य उसको करके उसके बाद आपको हम लोग देख कर भेजेंगे। जी आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम, हरिश्चंद्र बात कर रहा हूँ। 2.5 साल का बच्चा है, उनका पेशाब रुक रुक कर होता है, उनको जलन होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए जो खाने का सोडा आता है, सोडा बाइकार्ब जिसको कहते हैं, वो थोड़ा पानी में डालकर उसको थोड़ा थोड़ा पानी दे उसको सोडा बाइकार्ब को। दूसरा मिट्टी के लेप, काली मिट्टी होती है उसका लेप उसके पेट पर करे रोज दोपहर में, या ऐसे गर्मी का जब ऋतु होती या गर्मी का जब समय होता है दोपहर, तो दोपहर में यहाँ मिट्टी का लेप करे काली का, थोड़े दिन उसको सुलाए, तो वो भी बहुत अच्छा है पेशाब की जलन के लिए। सोडा बाइकार्ब वाला पानी थोड़ा थोड़ा उसको दे। आयुर्वेद की औषधि आती है उसका नाम है हमारी जो औषधि आती है उसका नाम है यूरोग्रीन, और आयुर्वेद की आती है उसका नाम है चंद्रप्रभा होती है। आपके लिए एक ही दवाई है, वहां से भी आप ले सकते हैं, तो उसका आप एक 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 गोली उसको सेवन कराए तो पेशाब की जलन में बहुत ही फायदा। जी नमस्ते आचार्य जी, मैं विजया बात कर रही हूँ महाराष्ट्र पुणे से। मुझे अप्रैल महीने में कोरोना हो गया था, और उसके बाद बाल बहुत बहुत मतलब आधे से ज्यादा झड़ गए, तो आगे मतलब उसके लिए क्या करना है, ये पहला प्रश्न है, बाल फिर से ठीक हो जाए। और दूसरा ये है कि मैं बीच में पूछना चाहता हूँ, बाद में बताए, स्टेरॉइड्स ली थी आपने वह उस समय? हाँ, चिकित्सा में स्टेरॉइड्स लिए थे ना? ओके ठीक है, ओके ठीक है। और दूसरा, तब से ना मेरी एक ही उंगली में, लेफ्ट हैंड की एक ही उंगली में दर्द है, जब से कोरोना होकर गया है तब से। मतलब वो भी स्टेरॉइड्स के बाद है? हाँ, वो भी स्टेरॉइड्स के बाद ही, मतलब कोरोना के ट्रीटमेंट होने के बाद ही। अभी देखिए, कोरोना के ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड्स का यूज होता है वो इम्यूनिटी को डाउन करने के लिए होता है, तो इसके लिए थोड़ी उसकी साइड इफेक्ट भी होती है, बराबर है? तो स्टेरॉइड्स का बहुत उपयोग अलग अलग एंगल से उसको किया जाता है कोविड ट्रीटमेंट। उसकी साइड इफेक्ट जो सबसे ज्यादा होती है तो बालों पर, तो बाल झड़ने, और वो भी बहुत मात्रा में झड़ते हैं बाल। तो ये एक है मतलब, तो इसके लिए केश प्रधान औषधिया और केश प्रधान आहार विहार आप पहले शुरू करें। जब भी जो भी स्टीरोइड्स ली है जिन्होंने भी, उसको सबने हमने ये करवाया था, तो उसके लिए आप ऑनियन ऑयल करके एक हमारा ऑयल आता है वो डालना चालू करें। नस्य यष्टि मधु का करना शुरू करें। रोज मसाज माथे पर 2 बार सुबह और शाम को तेल डालना ही है, ऐसा शुरू करें। क्षार सब प्रकार का छोड़ दे, मतलब जैसे नमकीन खाते हो ऐसे कुछ खाते हो तो क्षार वाली होती है, तो क्षार जितने भी लेंगे उतने बालों को आपको नुकसान होगा, तो क्षार वाले पदार्थ छोड़ दे। दूध, दूध की आइटम, गाय का दूध, गाय का घी, आंवला, च्यवनप्राश, भृंगराज, केश पोषक हमारी एक कैप्सूल आती है वो, नस्य, ये सभी वस्तुएं शुरू करें। पैर के तलवों में रोज एरंड तेल का मसाज करें, और खास करके जो सादा आहार है सिंपल वो ले, तीखा छोड़ दे बिल्कुल, और तला हुआ कम कर दे, तो ये आपके बाल धीरे धीरे, स्टीरोइड्स की जहां तक साइड इफेक्ट रहेगी वहां तक जड़ेंगे,
तो पहला काम ये करना है कि स्टीरॉइड्स की साइड इफेक्ट पूरे शरीर को से दूर करनी है। इसके लिए आप ये सब बातें करें, क्षार बिल्कुल न ले, और बाकी क्या जो रूटीन है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप गाय का दूध, गाय का घी का उपयोग करें। तो वो केश पोषक द्रव्य जितने भी है, आमलकी रसायनम टेबलेट है, केश पोषक कैप्सूल है, च्यवनप्राश है, माथे पर तेल डालना है, काली द्राक्ष जो होती है जिसको मुनक्का कहते हैं उसको खाना है, तो ये सारा कुछ सेवन करे तो वो बालों में बहुत ही फर्क आएगा। जी आचार्य जी, और उंगली के दर्द के लिए उंगली के दर्द के लिए तो आप पेन क्योर ड्रॉप्स का यूज करें, और मालिश करने के लिए वात रोग मसाज का तेल, तेल मसाज करने के लिए वो तेल का उपयोग करें। जी आचार्य जी, और एक है प्रश्न, उसी समय मेरे पिताजी को भी कोरोना हो गया था, तो उनको तो 40 दिन वो हॉस्पिटलाइज थे और उसके बाद काफी उनको प्रॉब्लम्स आई, तो अभी ठीक है वो 8 महीने बाद, बट उनके पैर की एक जो नस है वो पूरे ऐसी, मतलब उसमें उनको सेंसेशन नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए भी आप एक मसाज ऑयल और पर पेन क्योर ड्रॉप्स, ये दो का ही यूज करें। जिनको भी सेंसेशन नहीं है या पेन है तो वो दोनों अवस्था में पेन क्योर ड्रॉप्स और साथ में मसाज रोज करना है, वो एक काफी याद रखे। नमस्ते, शंकर बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। हाँ, मेरा ACL ऑपरेशन हुआ है, ये राइट साइड नी में जी, 7 इयर्स पहले। अभी क्या हुआ है, दोनों नी में दर्द हो रहा है। मैं आयुर्वेद में तेल लिया है, बाला अश्वगंधा तेल ये बोल के दिया है, टैबलेट भी दिया है, वो पी रहा हूँ, कम नहीं हो रहा है। कर्म कोई किया है पंचकर्म में? मैं नहीं किया है। तो आप बेंगलुरु में रहते हैं ना? हाँ, बेंगलुरु में रहता हूँ। मैं एक आपको डॉक्टर का नंबर दूंगा, उसके साथ आप बात मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा, तो उसके लिए कर्म की जरूरत रहेगी, वो कर्म में उसको बता दूंगा, तो उसके आप संपर्क करके कर्म करवा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ओके। और कोई नंबर बता देंगे राजेश्वर का साथ? राजेश्वर राव जी के साथ मैं बता दूंगा, ठीक है, या मुझे आप बताएंगे तो मैं सीधा तो उसके साथ बात कर लूंगा, उसको मैं समझाऊंगा कि ऐसा ऐसा है, तो फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। गुरु जी प्रणाम। गुरुजी, मैं 8 महीने से आपका दवाई का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयदेव बोल रहा हूँ, कोलकाता से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जी 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 बताइए बताइए जी। तो 8 महीना 9 साल का एक लड़की का थैलेसीमिया हुआ था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, अभी अच्छी है वो। जी 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 जी। तो कल का सत्र का बारे में प्रश्न था, एक ज्वर, जो बुखार होता है ज्वर में, जी, तो पानी के साथ सूट वाला पानी पीना है, और जल शुद्धि बूंद और इसका तुलसी गिलोय बूंद, तो कैसे तीनों को कैसे ले? और एक क्वेश्चन था, एक अनुरोध था, जैसे भागवत ऋषि का जो ग्रंथ है उसमें 100 से ज्यादा PhD कर सकते हैं, ऐसे आपका जो क्लास होता है सब्जेक्ट वाइज ऐसे 100 से ज्यादा प्रश्न आ सकता है, ऐसे करके तो आपका जो क्लास वाइज प्रश्न होगा तो अच्छा होगा, कैसे नहीं तो कैसे होता है पर्सनल वाइज जो होता है रोग वाइज मेरे कपाइल से ऐसा करके, तो मेरा एक अनुरोध था ऐसे, क्योंकि हम लोग जो सीरियसली इस चीज को ले रहे हैं अच्छा होता है। जी, ये आपका तो ये बात सही है, दो विभाग उसके हम भविष्य में करने वाले है, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो चिकित्सकों के लिए अलग कर देंगे, सामान्य जो लोग है मतलब जो एक 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 कुछ चिकित्सा के बारे में नहीं जानते कुछ भी अभी, तो उन लोगों को चिकित्सा भी होना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है। दूसरा, चिकित्सकों के लिए इसलिए उपयोगी होता है कि वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो इसके लिए चिकित्सकों को भी जानने को मिलता है कि ये वस्तु उसने उपयोग की और ये इतने परिणाम मिले, तो वो भी उपयोगी होता है। दूसरी बात, चिकित्सकों का जब हम लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारे कर्म सिखाने हैं, बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो सीखने जैसे हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर गंभीर रूप से सीखने वाले चाहिए, नियमित रूप से जुड़ने वाले चाहिए, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो ये आपकी बात सही है। तो ज्यादा हम ध्यान उस पर देंगे कि सिद्धांतों की बात आए और ऐसी प्रैक्टिकल कुछ हम औषधियों के बारे में बता दें, चिकित्सकों को उपयोगी हो, इसके लिए रखा है कि पहले आधा घंटा हम औषधि के बारे में चिकित्सकों को ध्यान में रखते हुए बताते हैं, क्योंकि और लोगों को तो ऐसे सभी वस्तुओं को तो जानना जरूरी नहीं होता है, लेकिन चिकित्सकों के लिए उपयोगी है। और दूसरा ये प्रश्न है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को अपने रोगों के बारे में पूछना है तो कम संभावना होती है, तो इस माध्यम से वो आसानी से पूछ सकते हैं, अपने रोग के बारे में कुछ जान सकते हैं। जी आगे आचार्य जी, दस हो गया, गया है। कल अगले शुक्रवार को हम मिलेंगे, तब अगले सोमवार को, सोमवार को हम संस्कृत के लिए मिल रहे हैं और बुधवार को, बुधवार को गुरुकुल, गुरुकुल से मिल रहे हैं। और सबसे एक विनती है, अभी कोई ऐसा बोलने से, कोई किसी को ऑपरेशन हुआ, साइड इफेक्ट हुआ, बोलने से दुख लगता है, आचार्य जी को भी दुख लगता है, हमें भी दुख लगता है, क्योंकि मेरा खुद का माँ के साथ ऐसे हुआ था, मेरा माँ को खोया था इसे छोटा ऑपरेशन कर गलती से, 10 साल हुआ, लेकिन जब से आचार्य जी मेरे जीवन में आए थे, बहुत लोगों को, पहले आचार्य जी मेरे जीवन में नहीं आए थे, उस टाइम में आने से मेरा माँ बचती थी, तो ये दुख से मैं डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनका जीवन में ये सेशन जो भी सुनेगा उनको तो अल्टरनेटिव एक मौका मिलेगा, नहीं तो बाकी लोगों क्या है, अभी 77 लोग है और बाकी 150 करोड़ लोगों को तो जीवन में तो ये मौका नहीं है ना, आयुर्वेद का महत्व उनका जीवन को नहीं पहुंचा है ना, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना भाई को जुड़िए, अपना बहन को जुड़िए, अपने मित्रों को जुड़िए, क्लासमेट्स को जुड़िए, नहीं जुड़ने से बाद में आप ही बोलेंगे इनका सेहत ये ऑपरेशन हुआ, इनका ये साइड इफेक्ट हुआ, क्या करना है बोल के, तो ये जो है थोड़ा सोचिए, समझिए, पूरा भारत अपना परिवार समझिए, तो ये कितने दिन लेना के लेने के मूड में रहेंगे, देने के मूड में भी ना परोपकार इतना हो सकता है, कोशिश करेंगे भारत को घर घर तक आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचाने का कोशिश करेंगे, तो ये दुख से जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, तो आप सोचिए, अब जितने लोगों को आसान है जी, 10 लोगों को, अभी हम तो साउथ इंडिया में हैं, इधर तो हिंदी का प्रॉब्लम है, आप में बहुत लोग आप जो हैं साउथ नॉर्थ इंडिया से हैं, आपको तो अनपढ़ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, साउथ इंडिया में प्रॉब्लम है हमारा, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्थ में आपका तो हिंदी लैंग्वेज ही है ना, तो पूरा पूरा बस नॉर्थ इंडिया को जोड़ सकते हैं आप सब लोग मिलके, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं, तो प्लीज मिलके करेंगे, घर घर तक जो है ये सेशन पहुंचना है, घर घर तक ज्ञान पहुंचना है, तो ज्ञान पहुंचाइए, प्रोडक्ट्स तो वो सेकेंडरी है, ज्ञान प्राइमरी, ज्ञान मुख्य नॉलेज, नॉलेज मुख्य नॉलेज है, वो भी सही गुरु से मिलना है, शंख से निकलने से तीर है, और सही गुरु से निकलने से, मुंह से निकलने से उसको ज्ञान बोलते हैं, वही तद्विद्य प्रणिपाते नंबर कृष्ण, तो प्लीज मिलके करेंगे, हम लोग मंडे मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर मनोज जी और शिव प्रसाद जी, आज मनोज जी फॉर्म में आ गया, उनका बेटा भी सेशन मैनेज करने गए, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सिंगापुर टीम, थैंक यू।